एक गांव में दो लड़के रहते थे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक 7 साल का था और दूसरा 12 साल का था। वे दोनों हर काम साथ में ही करते थे। वे साथ साथ खेलते थे और स्कूल भी साथ ही जाते थे। एक दिन दोनों एक साथ खेलते खेलते कहीं दूर चले गए और क्या हुआ कि बड़ा वाला जो 12 साल का था वह कुएं में गिर गया। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। वह बेचारा अब कुएं से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। छोटे वाले ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए इधर उधर देखा, परंतु दूर दूर तक उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे कुएं से जुड़ी हुई एक बाल्टी और रस्सी मिली। उसने रस्सी को कुएं में फेंक कर अपने दोस्त को बोला कि इसे पकड़ ले। उसने उस रस्सी को पकड़ लिया। छोटे वाले लड़के ने अपने दोस्त को ऊपर खींचने के लिए पूरी दम लगा दी। जब तक कि उसका दोस्त ऊपर नहीं आ गया, आखिर में उसका दोस्त ऊपर आ ही गया। बाद में दोनों दोस्त एक साथ मिलकर बहुत रोए और बाद में खुश भी बहुत हुए। लेकिन वो दोनों अब इस बात से डरे हुए थे कि अगर वह अब गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन जब वो दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंचे तो अपनी बातें बताई तो सारे लोग उनका मजाक बनाने लगे। किसी को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं था कि एक 7 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कैसे कुएं से बाहर निकाल सकता है, और वो भी रस्सी से खींचकर। लेकिन सबके न मानने के बावजूद भी एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी बातों का विश्वास कर लिया। तो सबने इस बुजुर्ग आदमी के पास गए और उन्होंने उससे पूछा, अपने कैसे इन बच्चों की बातों पर विश्वास कर लिया? बुजुर्ग आदमी ने बहुत ही रोचक जवाब दिया कि इन्होंने ये इसलिए कर लिया क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं था ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों, इस मोटिवेशन कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपनी सोच को बड़ा बना लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। आपको ये मोटिवेशन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।